आइए दोस्तों, आज आपको अपने साथ सिंगापुर जू की सैर कराता हूँ मैं। जबरदस्त जगह है बॉस, अगर सिंगापुर गए और सिंगापुर का जू नहीं देखा ना आपने तो वाकई फिर आप कुछ वाकई कुछ बड़ी चीज़ आप मिस कर रहे हो। अंदर आप इंटर करेंगे सिंगापुर जू में, फुल डे का अच्छा खासा टाइम लगेगा इसमें, आप टाइम लेके जाइए अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो क्योंकि इसमें इतने कुछ अट्रैक्शंस हैं कि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या देखिए, क्या छूटना चाहे ऐसा है बस लगता है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बढ़िया इसका मतलब, एक तरफ से अट्रैक्शन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक के बाद एक के बाद एक इतना ज़बरदस्त इन्होंने प्लान्ड वे में इसको बनाया है कि हर एरिया में देखने लायक है। इसका टिकट भी करीब मोटा मोटा सोलह इंडियन करेंसी के हिसाब से देखिए तो करीब 3000 रुपीज़ का पर हेड का टिकट है। अंदर घुसते ही आपको ये मिलेगा मंकी अच्छा लगेगा, लोग देखते हैं इसको सबसे पहले अपने उसकी करतब देखते हैं, वो चलते कूद मचा रहा है, लोग वीडियो खींच रहे हैं, सीधा साधा है क्रिएचर, किसी को तंग नहीं करता और लोग देख के खूब क्लैप करते हैं, कोई बनाना फेंक रहा है कुछ कर रहा है, इसकी अलग ही मज़ा आ रहा है देख के इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे तो इसमें एक गाइड वाला भी सिस्टम है, गाइड भी आप ले सकते हैं, आप खुद भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए डक्स खूब सारी अच्छी है वहाँ पे और अलग अलग तरह के एनिमल्स एंड बर्ड्स आपको मिलेंगे वहाँ पे। ये मोस्टली देखा है एनिमल्स की एक बर्ड्स की एक मैंने देखी टेंडेंसी, दे ऑलवेज स्टे इन ग्रुप्स, ये मतलब ग्रुप में ही रहते हैं अकेले अकेले, एक दो दो नहीं मिलते आपको। ये अलग अलग स्पीशीज हैं इसकी बर्ड की, ब्यूटीफुल, इतनी मतलब क्यूट हैं देखने में, जिसे कहते हैं जैसे आप रिस्पॉन्स करेंगे वो खुश होंगे, उनकी आवाज़ें निकालेंगे। और एक ये देखो ओरेंगुटांस, ये समझिए बेसिकली ये लंगूर और बंदर के बीच ही कोई, मुझे लगता है मंकीज़ के बीच में कोई स्पीशीज है, पर इतने ज़्यादा जॉवियल और मस्त हैं ये, इतना रश था इसके काउंटर के बाहर जहाँ पे इनका था डिस्प्ले, देखिए कितने सारे बैठे हैं, इनको लोग बनाना फेंक रहे हैं, वो कर रहे हैं, गाइड भी साथ में था उनका, कोई रशियन गाइड था, वो देखिए वो मस्ती कर रहा है, वो क्लैप करेंगे तो वो भी क्लैप करेंगे जैसे जैसे, ये देखिए क्लैप किया, हैप्पी बर्थडे गा रहे तो वो भी क्लैप कर रहा है, मतलब वो भी रिस्पॉन्स करेगा, मतलब एनिमल्स में भी समझ लो कितना कुछ अंदर से इंटेलिजेंस होती है कि दे ऑल्सो इमीडिएटली दे एप यू लाइक एनीथिंग, जो आप करेंगे सेम आपको कॉपी करेंगे। उसके अंदर जू इतना बड़ा था कि उन्होंने ये अंदर से ये छोटी ओपन ये मिनी बस कहिए या ट्राम कहिए इसको, इन्होंने यहाँ पे ओपन ये टूरिस्ट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस है, इसमें आप बैठ जाइए और आपको स्टेशन नंबर 1 2 3 4 चार स्टेशन है इसके, वहाँ पे आपको ड्रॉप करेगा, वो बाहर ही लिखा रहेगा उसमें, आप पढ़ेंगे किस स्टेशन से कहाँ तक के बीच में क्या क्या उसमें अट्रैक्शंस हैं, कौन से एनिमल्स कहाँ आपको मिलेंगे। तो मोस्टली लोग उतर जाते हैं, हम लोग स्टेशन नंबर 1 से स्टेशन नंबर 2 पे उतर गए तो वहाँ पे बेबी एलिफेंट देखा इसके करतब बोले बहुत प्यारा बहुत क्यूट है, आप देखिए चुपचाप घंटी बजा रहा है, वो कर रहा है मस्ती कर रहा है अच्छा अट्रैक्शन था इसको देखने का, क्योंकि अगर आप हर जगह उससे घूमेंगे ट्रेन से तो आप पूरा देख नहीं पाएंगे। ये देखिए उसके बाद ज़बरदस्त हिप्पोपोटामस ये देखिए बेबी है छोटा सा, पानी में अंदर इसको मस्त स्विमिंग कर रहा है, देखिए कितना क्यूट है, मतलब ये सब चीज़ें तो कभी देखी नहीं ना एक्चुअली, फिल्मों में देखा है कभी, सामने सामने लाइव उन चीज़ों को देख के जो थ्रिलिंग होती है ना बॉस, वो थ्रिलिंग का अलग ही एहसास होता है जो आप जाके देखते हैं। बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं उसको टैप कर रहे हैं उसके ग्लास के ऊपर, उसको मतलब रिस्पॉन्ड कर रहा है वो भी, देखिए कैसे स्विमिंग कर रहा है, बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं देखे लायक है। इसको कहते हैं पिग्मी हिप्पोपोटामस, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं और लेकिन हैं तो अच्छे खासे हैवी। उसके बाद साहब हम लोग आए वाइट टाइगर देखने, ज़बरदस्त आई तो मतलब इसको तो टाइगर ट्रैक लिखा था इसमें, बोला गार्ड ने कि जो गाइड्स थे वहाँ पे कि बिल्कुल आवाज़ें मत करिए शांत रहिए, तो वो अभी सो रहा था एक्चुअली, बस स्लीपिंग लॉयन जिसे टाइगर कहते हैं, दोपहर में समय उसका रेस्टिंग टाइम था, आफ्टरनून का टाइम था, आराम से सोया था। कितना बड़ा इतना ब्यूटीफुल ये टाइगर था, वाइट टाइगर देखने लायक था, बाहर ही उसका केज बना। उसके बाद देखिए अलग अलग तरह के एनिमल्स जो मतलब कभी देखे ही नहीं इंडिया में हम लोगों ने, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, पांडास भी हैं वो भी हैं, जिराफ भी है, ज़ीब्रास भी हैं,
फिर वहाँ से दूसरे उस आपने पकड़ के, क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, मतलब थक जाएंगे आप चल चल के पूरे दिन, फिर दूसरी ट्रेन पकड़ के सेकेंड उसके बाद स्टेशन से थर्ड स्टेशन के लिए हम लोग निकले। तो बीच में वो गाइड जो था, वो जो चला रहा था, वो बता भी रहा था ड्राइवर कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। प्लस ये देखिए जगह जगह ये पूरे मैप्स बने हुए हैं, पूरा इसके बारे में पूरे डायग्राम के साथ, मैप के साथ पूरा डिस्प्ले है कि किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच में किस रोड से आप जाएंगे और क्या आपको मिलेगा, किस वे में आपको कौन कौन से एनिमल्स मिल सकते हैं। ये बहुत शांत एनिमल्स हैं, इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, इनकी अलग ही दुनिया है, एक अलग ही लाइफ है। और सिंगापुर में तो कभी बारिश हो जाती है, पर हम लोग लकी थे एटलीस्ट उन दिनों बारिश नहीं हुई, वेदर बहुत अच्छा था, प्लेजेंट था। अदरवाइज़ गर्मियों में आप जाएंगे मई जून में तो आप बैठ नहीं पाएंगे। फिर ये देखिए सब अफ्रीकन डॉग्स, देखिए ये गजब की चीज़ देखिए, मतलब ऐसा तो स्पीशीज हमें कभी दिखी नहीं आज तक, फिल्मों में भी नहीं देखा। ये अफ्रीकन पेंटेड डॉग्स हैं, आप देखिए बहुत कुछ वुल्फ की तरह इनका फेस है, और एक साथ ग्रुप में है पूरे का पूरे, और इनका क्या है कि एक साथ ग्रुप में निकलते हैं और एक के बाद दौड़ दौड़ लगाते हैं। और ये देखिए बड़े बड़े हिप्पोपोटामस हैं, वो हैं बैठे हुए आराम से, डिस्टर्ब नहीं करना इन लोग को, हैवी वेट। आपने बेबी देखा भी हैवी वेट्स का, वो देखिए ये देखिए सब डॉग्स को ही लोग देख रहे थे बार बार, क्या है कि कई लोगों को लगता है ना फॉरेनर्स को कि ऐसा ना हमारी पिक्चर खींचे, इसलिए यू हैव टू समटाइम्स थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट करके ताकि उनको ओवरूल करे। देखिए पीछे डॉग्स देखिए कैसे दौड़े, अफ्रीकन पेंटेड डॉग्स देखने में भी काफ़ी मतलब डेंजरस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर उनका अलग ही ग्रुप है, अपने आप ही निकलते हैं, एक साथ शिकार करते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। जहाँ जहाँ जाइए वहाँ वहाँ ये देखिए ज़ीब्रास, इतने ब्यूटीफुल इसकी मतलब है ग्रीस ज़ीब्रास, इसमें कहते हैं अलग, जैसे कि ना आपका वो देखिए इसकी एग्जिबिटी अलग टाइप की ये है, मतलब जैसे कि बार कोडिंग होती है ना उस टाइप पे, देखिए किसी की हेड पे अलग अलग हैं। उसके पास हमें लॉइन का था, ज़बरदस्त था साहब, ये तो बहुत ही बढ़िया था इसका केज, देखिए पूरा ओपन एरिया था। ये है अफ्रीकन लॉइन, क्या बड़े बड़े, ये देखिए सामने बैठे हुए हैं, उनके पीछे पूरा उनका कब भी है, लॉयन के कब भी हैं साथ में, उनकी पूरी फैमिली है, लॉयनस भी है, लॉयन भी है पीछे पूरा। यहाँ पे सब शांति से, मतलब ज़्यादा हल्ला नहीं मचाना है, और चुपचाप आप देख के निकल जाइए। ये देखिए उनको डिस्टर्ब नहीं करना, मतलब इन एनिमल्स को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वो आपको कोऑपरेट करेंगे, अगर हूट करेंगे कुछ फेंकेंगे वो सब तो अलाउड नहीं है। ये देखिए कई बच्चे थे, सीटियाँ बजा रहे थे छोटे बच्चे, लेकिन उन्होंने बोला गाइड ने कि आप मत करिए उनको डिस्टर्ब, जस्ट आप दूर से उनकी ब्यूटी देखिए, देखिए कैसे बैठे हुए हैं। उसके बाद जिराफ देखा, ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल, कितने टॉल, अब तक मूवीज़ में देखा था, पिक्चरों में देखा था, लेकिन जिराफ मैंने ऐसे ऐसा कभी सामने ऐसे सच कभी देखे नहीं। अफ्रीकन जिराफ देखिए क्या टॉल, बहुत ही खूबसूरत, एक अलग ही दुनिया है बॉस, जू में जाके एक बार लगता है इंसान क्या ना देख ले, बहुत अच्छा लगा देख के। उसके बाद एक ये शो था सी लॉयन शो, ये हम लोगों ने देखा, देखो इतना ट्रेंड था, जैसे उसका ट्रेनर उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, ऐसे उसका डांस हो रहा है, ऐसे स्विमिंग कर रहा है, सब कुछ ऐसे ही, काफी लंबा करीब एक घंटे का शो था। और ब्यूटीफुल था, पूरा पैक था शाम को देखने के लिए। इतना लंबा शो पूरा तो कैप्चर एक घंटा नहीं कर सकते रिकॉर्डिंग, इससे थोड़ा थोड़ा जो खास खास थे उसके उसको कैप्चर किया आप साथ शेयर करने के लिए, मतलब ये वर्थ सीइंग, अगर आप जा रहे हैं जू में तो टाइम निकाल के, ये शाम को शो होता है, जो देखिए इसको। इतने ट्रेंड है, क्लैप भी कर रहा है। मतलब आज के डेट में मैमल्स जितने हैं ना, ये सारे एनिमल्स बर्ड सब इतने ट्रेंड हैं एक्चुअली, ये ट्रेनिंग के बाद देखिए बिहेव कर रहा है सबको।
मेरा शो देखिए जू में, मतलब खासकर बच्चों के साथ तो उन्होंने बहुत इन्जॉय किया देखा, जो बच्चों के साथ फैमिली के साथ गए थे बहुत इन्जॉय किया, हमें बहुत अच्छा लगा बॉस में कोई डाउट नहीं। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। देखो मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको चिल कराऊँ, टेंशन फ्री जिंदगी जियाऊँ, मेरे साथ रहो ना यार, लगे रहो, एक से खूबसूरत जगह लेके जाऊँगा, एक से खूबसूरत जगह, एक से टॉप के होटलों में लेके जाऊँगा, इन्जॉय करो और बस जिंदगी को ऐसे खुश होकर जियो। मेरे साथ चिल करो, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ऐसे ही चिल करो, जस्ट चिल।